हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल खुशी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। ऐसे तो आप मुझे फॉलो करते हो, आप सबको पता है कि मैं पीसीओडी या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। इसमें से मैंने बहुत सारे पीसीओडी के वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे कॉमेंट आए हैं जो स्पेशली अनमैरिड गर्ल लिखती हैं, मैम मैं अनमैरिड हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है और मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। मुझे पीरियड तो रेगुलर आता है बट 2-3 दिन तक ही ब्लीडिंग होती है, तो मुझे पीसीओडी है, मेरे फेस में बहुत सारे हेयर आ रहा है, तो मेरा वजन भी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँ। और भी ऐसे इससे रिलेटेड ऐसे ही मिलता जुलता बहुत सारे कमेंट आए हैं, जो गर्ल अनमैरिड हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मुझे पूछ रही हैं कि मैम जो भी आपने टिप बताई, जो भी आपने होम रेमेडी बताई, जो भी आपने ईवी केयर का, हिमालय का, जो भी दवाइयाँ वगैरह बताए, क्या ये अनमैरिड गर्ल ले सकती हैं। तो देखिए, जो भी मैंने वीडियो बनाई है, जो भी मैंने टिप बताई है, जो भी मैंने होम रेमेडी बताई है, हिमालय का ईवी केयर बताई है, वो सारी चीज़ें मैंने नेचुरल चीज़ें बताई है। आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप वो ले सकते हो। आपको नॉर्मली पता है हिमालय का ईवी केयर मैंने क्यों बताया है, क्योंकि वो नेचुरल हैं, वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम पीते हैं। जैसे नॉर्मली हम साफ़ी पीते थे पहले, तो इस तरह का ही वो मेडिसिन है। अगर आप साफ़ी पीते टाइम डॉक्टर को नहीं पूछते थे, तो ईवी केयर पीते टाइम भी आप नहीं पूछ सकते हो। अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो, बट ऐसे नॉर्मली भी आप पी सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे नॉर्मली पिया था। वो एक्चुअली ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपको आपकी शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है उससे। और जो भी मैंने होम रेमेडी बताई थी, वो भी सारी चीज़ें मैंने अपने घर के ही नेचुरल चीज़ों से बनी हुई चीज़ें बताई थी। जैसे कि नॉर्मली आप हल्दी खाते हो, हल्दी ऐसे नॉर्मली हम सब्जी में भी यूज करते हैं, दाल में यूज करते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल हैं। हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप यूट्यूब में जाके और भी हल्दी के फ़ायदे देख सकते हो। तो हल्दी का टी बनाने के लिए मैंने बताया था, और दालचीनी बताई थी, उसके बाद मेथी दाना बताया था, और बहुत सारे ऐसे होम रेमेडी मैंने बताई हुई है मेरे वीडियो में, जो सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ आपके घर के अंदर ही मिल जाते हैं, उससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, सब कुछ नेचुरल है। आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप आराम से ले सकते हो। और मुझे एक सवाल आया है, नाम है उनका पूनम, पूनम जी हैं, तो वो मुझे लिखती हैं, मैम मेरा एज 27 साल है, तो मेरा पीरियड जब भी आता है 2-3 दिन तक ही ब्लीडिंग होता है, मेरे फेस में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है और थकान बहुत ज़्यादा होती है, और मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, इसका क्या रीज़न है, मुझे क्या करना है, मैम आप बताइए। तो पूनम जी ने ये सवाल लिखा है मुझे। पूनम जी, आपने बहुत ही अच्छी सवाल करी है मुझसे, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, जब भी उनको पीरियड आता है तो 2-3 दिन तक ही आता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कम या फिर इतना ज़्यादा होता है, जो महीने महीने तक भी चलता है। ये बहुत सारी पीसीओडी से प्रॉब्लम होने वाली लेडीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है। तो देखिए, जिन जिन लेडीज़ को भी ये प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उनको मेन प्रॉब्लम यही है कि कभी उनको पीरियड आता ही नहीं है 2-3 महीने तक, या फिर कभी आता है तो उनको महीनों महीने तक भी चलता रहता है, 20-25-30 दिन तक चलता है, और कभी ऐसा होता है कि पीरियड आता है और 1-2 दिन तक हल्का सा स्पॉटिंग होता है, थोड़ी थोड़ी 2-4 बूंदें दिखता है और बंद हो जाता है, और हमें थकान भी बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है, ये मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। देखिए, पीसीओडी का मेन, पीसीओडी है क्या, क्या चीज़ है पीसीओडी, कैसे होता है, ये मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको समझाया है। जैसे हमारे शरीर में हार्मोन की डिसबैलेंस हो जाता है, जैसे शरीर में फीमेल हार्मोन से ज़्यादा मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, तो हमें पीसीओडी होता है। जैसे पीसीओडी का मेन कारण, मेन प्रॉब्लम ही यही कि हमारे शरीर की जो हार्मोन है, जो सही तरीके से चलना चाहिए, उसको ही डिसबैलेंस कर देता है पीसीओडी। जब डिसबैलेंस होते हैं तब पीसीओडी होता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे शरीर के हार्मोन ही डिसबैलेंस हैं तो हम थक जाते हैं, थोड़ी सी भी खाते हैं तभी मोटे हो जाते हैं, और किसी के शरीर ऐसा हो जाता है जितने भी खाते हैं उतना लगता ही नहीं है, तो हम आलसी हो जाते हैं, हमें थकान ज़्यादा होता है, तो इसका मेन कारण है हार्मोन का डिसबैलेंस। तो देखिए, अगर आप पीसीओडी को ठीक करना चाहते हो या फिर अपने थकान को दूर करना चाहते हो, तो आप मेरे होम रेमेडी को फॉलो कीजिए, और जो मैंने हिमालय का ईवी केयर बताया है उसको भी आप लेना चालू कीजिए। वो 6-7 महीने आपको लेना है कंटिन्यू, आप 2 साल तक भी ले सकते हो, बट आपको मिनिमम 6 महीने तक लेना है। आप होम रेमेडी फॉलो कीजिए, बहुत सारे होम रेमेडी है मैंने आपको बताई है, आप मेरे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
तो होम रेमेडी आप फॉलो कीजिए, आपको थकान दूर होने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, आप सोते मत रहिए। आप सोचोगे मुझे थकान हो रही है तो मैं सो जाती हूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आप थोड़ा थोड़ा वॉक करिए, थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट का भी आप चलिए, आपको थोड़ा थोड़ा करके हवा में जितना फ्रेशनेस मिलेगा आपको थकान उतने ही दूर होता जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत अपने तरफ से कोशिश करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, मैदे वगैरह ये खाना बंद करना पड़ेगा, चाय पीना बंद करना पड़ेगा, तो आपको पीसीओडी में जरूर फायदा मिलेगा। और अगला एक सवाल आया है, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी उनका क्वेश्चन, आप देख सकते हो। वो पूछती है, मैम मेरा साइकिल 22 से 23 दिन में आता है हर महीने, तो मैं क्या कंसीव कर पाऊंगी? मैं हिमालय का ईवी केयर भी लेती हूँ, तो मुझे आप प्लीज बताइए। मैंने 3-4 यूट्यूबर से पूछा था, वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मैम प्लीज आप बताइए कैसे मैं कंसीव करूँ, क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी, मेन क्वेश्चन उनका यही है। तो देखिए, अगर आपकी नॉर्मल साइकिल 22 से 23 दिन का है, 22-23 दिन के बाद आपको फिर वापस साइकिल आ जाता है, अगर आपको नॉर्मली ऐसे 22-23 दिन का साइकिल है तो आपको कंसीव करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह के, जैसे पीसीओडी है, जैसे आपकी ट्यूब ब्लॉकेज ना हो, इस तरह के अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, और भी बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं जो कंसीव करने में रुकावट आती है, अगर आपकी शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है और आपको नॉर्मल साइकिल 22 से 23 दिन में आता है, तो आप डेफिनेटली कंसीव कर पाओगे। कंसीव करने के लिए आपको ओवुलेशन डेट ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपकी ओवुलेशन होगी तभी आप कंसीव कर पाओगे। जैसे कि आपने बताया, जैसे नॉर्मली जैसे हमारी साइकिल होता है 28 से 30 दिन का साइकिल होता है जो नॉर्मल लेडीज होती हैं, तो उनका जब ओवुलेशन डेट होता है उनका होता है 10 से 16 दिन के बीच में बोलते हैं उनका ओवुलेशन टाइम होता है। तो आपका साइकिल थोड़ा जल्दी है, तो जल्दी में आप थोड़ी सी पहले से ही इंटरकोर्स करना चालू कीजिए। जैसे पीरियड का, जैसे ब्लड खत्म हो जाए, जैसे पीरियड जैसे आता है 4 से 5 दिन तक हमारी ब्लीडिंग चलती है, जैसे 5 दिन में अगर आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, आप 5 दिन से 15 दिन तक डेली या फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन इंटरकोर्स करते हो, तो आपको कंसीव होने का चांसेस 90% होता है। तो आप इसी तरह से अपने ओवुलेशन डेट को थोड़ा सा ट्रैक कीजिए और आप लगातार इंटरकोर्स करिए। जैसे 5 दिन में पीरियड बंद हो गया तो आप स्टार्ट हो जाइए कि 15 दिन तक आप करना है आपको, तो आप इसी बीच में प्रेग्नेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगला एक सवाल आया है दालचीनी से रिलेटेड, जो मैंने होम रेमेडी बताई थी, जो दालचीनी की टी बताई थी मैंने, उसमें एक सवाल आया है कि मैम दालचीनी तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, हमारे घर वाले मना करते हैं कि जब भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो उस टाइम पे गर्म चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, दालचीनी हमें पीने के लिए मना करते हैं, क्या ये दालचीनी पीना सही है? तो देखिए, दालचीनी आप पी सकते हो, बट ज़्यादा मात्रा में नहीं। मैंने आपको उसमें भी बताई थी कि दालचीनी की छोटी छोटी 1 से 2 टुकड़े डाल के आपको पानी में उबाल के पीना है, तो 1 टुकड़े से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा दालचीनी डाल के पानी उबाल के पियोगे तभी आपको असर करेगा, बट 1 से 2 टुकड़े आप दवाई के रूप में लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे कि आप जानते हो जितने भी मेडिसिन बनते हैं उसमें सारे अल्कोहल मिले होते हैं, तो आप क्या अल्कोहल मिलने से आप नहीं लोगे वो मेडिसिन? तो ये बिल्कुल गलत है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। जैसे हम अल्कोहल को 5% दवाई में मिलाते हैं तो डॉक्टर भी तो लिख के देते हैं ना हमें कि ये मेडिसिन लो, हम लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। इस तरह से ही दालचीनी भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी है आपको, बिल्कुल 1 टुकड़ा डालना है और पानी को उबाल के पीना है। ऐसे करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, कभी भी दालचीनी आपको नुकसान नहीं करेगा। और अगला सवाल आया है येलो टी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में एक येलो टी के बारे में बताई थी आपको, येलो टी कैसे बनाना है और कैसे पीना है। तो एक सवाल आया है कि मैम येलो टी कितने दिन तक पीना है? और इसका जवाब है, आपको 1 महीने तक येलो टी पीना है और बीच में 10 से 15 दिन छोड़ना है, उसके बाद वापस आप 1 महीने तक कंटिन्यू येलो टी पीना है, और उसके बाद बीच में फिर गैप रखना है 10 से 15 दिन तक। इस तरह से आप करोगे तो आपको येलो टी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, आपकी वेट लूज में भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, आपकी पीसीओडी में फ़ायदा करेगा, और भी बहुत सारे ऐसे फायदा है येलो टी की। मैं डिटेल में अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और येलो टी को लेना है दिन में 2 टाइम, अगर ठंड का टाइम है तो आप 3 टाइम भी ले सकते हो, बट नॉर्मली आप 2 टाइम लीजिए। अगर आप सुबह खाली पेट लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, या फिर आप ब्रेकफास्ट करने के बाद लीजिए येलो टी, आपको सेम फायदा मिलेगा। और रात को सोने से पहले आपको लेना है, जैसे आप सोने जाओ सब कुछ काम वाम खत्म करके तो आप लेके सो जाइए, तो येलो टी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा।
तो दोस्तों आज मैंने आपकी कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।